अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एमटी प्रोजेक्ट और एमवीसी प्रोजेक्ट के दरमियान में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप लोग अपना वीडियो स्टूडियो ओपन करेंगे, आप लोग क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद आप लोगों के पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोग ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर दोगे। ये वाला जो प्रोसेस है, इस स्लाइड को दोबारा मैं आप बताने का मकसद यह है, क्योंकि हम अपने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा बताने का मकसद यह है कि आप लोगों को एक दफ़ा चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो उसके बाद आ जाता है, हम अपने प्रोजेक्ट का नेम देंगे जब हमारे पास एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट। अब आप ये जो स्टेप मैं यहाँ पे बताती जा रही हूँ ना, आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब मैं प्रैक्टिकल वर्क करूँगी तब आप लोग देखते जाएगा कि सेम वही प्रोसेस है। जब आप क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास 7 डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस मीन कि आपके पास 7 डिफरेंट टेम्पलेट्स आए हैं, जिसके अंदर एक आपके पास एम्प्टी प्रोजेक्ट होगा, बाकी आपके पास सारे डिफॉल्ट टेम्पलेट्स होंगे। तो उस डिफॉल्ट टेम्पलेट्स में आपके पास एक एमवीसी होगा, एक वेब एप्लीकेशन होगा, एपीआई, एंगुलर, React.js, एंडोडॉक्स एक्सेट्रा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जस्ट इन दो के ऊपर है, एमवीसी प्रोजेक्ट का आपको बताऊंगी और एमटी प्रोजेक्ट का बताऊंगी। नेक्स्ट चलते हैं। जब ठीक है जी, आपने ये सारे प्रोसेस सिलेक्ट कर लिए, अब आप अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर दोगे। अब मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाती हूँ कि हमारे ये प्रोसेस किस तरह होंगे। तो यहां पर देखें, मैंने यहां पर वीडियो स्टूडियो ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एमटी प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को डिफॉल्ट टेम्पलेट यानी कि एमवीसी क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो हमने पहला स्टेप मेरा क्या था, यहां से हम लोग देखते जाते हैं, ठीक है, यहां से हम लोग साथ साथ देखते जाते हैं। पहला स्टेप मेरा क्या था, क्रिएट करना था न्यू प्रोजेक्ट। सेम वही प्रोसेस मैं यहां पर करूंगी, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट क्लिक किया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था सिलेक्ट करना है आपने ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन और सिलेक्ट कर देना है नेक्स्ट। तो सेम वही हम काम करेंगे, ASP.NET कोर यहां से भी सिलेक्ट किया, यहां से भी सिलेक्ट किया, फिर हमने किस पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे, सेम वही प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड मेरी आ गई थी, जिसके अंदर हमने किया था, नेम दिया था अपने प्रोजेक्ट को और फिर क्रिएट पे सिलेक्ट कर दिया था। जब प्रोजेक्ट को नेम दे देंगे तो हमारे पास 7 डिफरेंट टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। ये भी मैं आप लोगों को भी करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नेम देते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एमटी प्रोजेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं फिलहाल यहाँ पे इसका नेम एमटी प्रोजेक्ट ही रख लेती हूँ। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना चाहते हैं। तो ये आपको एग्जांपल एक डेमो देके दिखा रही हूँ, इसी वजह से मैं इसका नेम भी सेम रख रही हूँ, एमटी प्रोज। ओके, तो देखें सोल्यूशन नेम भी मेरा सेम वही आ गया जो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नेम दिया। लोकेशन मेरी सी में जाके मेरी सी ड्राइव में ये चीज सेव हुई है। क्रिएट, सेम वही प्रोसेस। अब हमारे पास 7 डिफरेंट टेम्पलेट्स ओपन होंगे, सी, एमटी, एपीआई, वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर, एंगुलर, React.js, सेम वही जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं इस स्लाइड में। एक तो एमवीसी आया, दूसरा एमटी प्रोजेक्ट आया, तीसरे ये वाले सारे जिनको अभी हमने डिस्कस नहीं करना। हमने किसको डिस्कस करना है, हमने इसमें एमवीसी को डिस्कस करना है आज और एमटी प्रोजेक्ट को करना है। तो फिलहाल हम लोग किस पे हैं, एमटी प्रोजेक्ट पे हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ से। अब हम लोग जब हम एमटी को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप एमटी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो एमटी प्रोजेक्ट का मतलब है, उसे देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी भी हुई है कि इसका कोई कंटेंट नहीं होता। जब आप एमटी प्रोजेक्ट करोगे तो ये बिल्कुल ब्लैंक होगा, इसके अंदर आपको कोई किसी तरह का डाटा शो नहीं होगा। जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे, कोई किसी किस्म का इसके अंदर कॉन्टेंट नहीं होगा। तो इसके साथ साथ एमटी प्रोजेक्ट का एक और डिफरेंस भी है एमवीसी के साथ और डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स के साथ। जब मैंने एमटी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास ऑथेंटिकेशन का जो चेंज था ना, जो मैंने आइडेंटिटी अपनी सिलेक्ट करनी थी, मीन्स के लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, दो प्रोसेस होते हैं ना हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के, तो वो जो है यहाँ पे हाइड है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि आपने अगर एमटी किया तो आप खुद से क्रिएट करो, तो जाहिर है अब हम खुद से करेंगे। अगर तो मैं किसी डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के ऊपर जाती हूँ, देखो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया है, ब्लू कलर का हो गया, तो इसका मतलब कि मैं इसको आइडेंटिटी वो मुझे डिफॉल्ट दे रहा है, तो मेरी मर्जी मैं सिलेक्ट करूँ ना करूँ। इसी तरह मैंने काम करना है मॉडल व्यू कंट्रोलर पे, उसने फिर भी इसको हाईलाइट किया हुआ है। फिलहाल मैं आप लोगों को एमटी प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखा रही हूँ, क्रिएट कर दें हम यहाँ से। मेरी आज की इस वीडियो बनाने का मकसद
उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पर होते हैं, जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता कि हम लोग जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कौन सा टेम्पलेट यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम लोग 7 डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जो आप लोगों को, मतलब जिस पे आप लोगों ने काम करना हो आप लोग उसको सिलेक्ट करके करोगे। तो मैं आप लोगों को इनका डिफरेंस बता रही हूँ कि अगर आप लोग एम्प्टी करोगे तो आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग मैनुअली क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके अंदर किसी किस्म का कोई कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो जब आप, वैसे भी जो एम्प्टी चीज होती है ना, जब फर्स्ट करें कोई ब्लैंक चीज़ है तो हमें पता चल जाता है कि हम लोग किस तरह डिफरेंट पीसीस को मिलाकर अपनी एक न्यू चीज़ क्रिएट करते हैं। अगर हम किसी की बनी बनाई लेते हैं ना तो फिर उसके अंदर चेंजेस करना भी थोड़ा मतलब उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन अगर हम खुद से एम्प्टी प्रोजेक्ट करेंगे तो चेंजेस भी उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने अकॉर्डिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। जब मैं MVC प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगी उसके अंदर मेरे पास बाय डिफॉल्ट वो कुछ फोल्डर्स क्रिएट करके देगा, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ये फोल्डर होंगे। तो उसके साथ साथ वो हमें जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, CSS का भी हमें फोल्डर क्रिएट करके देगा, जिसको हम लोग www रूट कहते हैं। यहाँ भी अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। सी, दिस इज माई एम्प्टी प्रोजेक्ट। जब मैंने एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसे मुझे किसी किस्म का कोई फोल्डर क्रिएट नहीं करके दिया, बल्कि जस्ट उसने यहाँ पे मुझे एक स्टार्टअप का program.cs, ये क्या है ये भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियोस जो मेरी आएंगी उसमें आपको ये एक्सप्लेन करूंगी डिटेल से, ठीक है। तो फिलहाल इनको जानने की जरूरत नहीं है, बस मेन जो मकसद था ये कि एम्प्टी प्रोजेक्ट में आप लोगों के पास कोई किसी किस्म का कंटेंट नहीं है, ना ही आपके पास www रूट फोल्डर है। वो क्या होता है वो मैं आपको MVC जब करूंगी उसके अंदर आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ना मॉडल है, ना व्यू है, ना कंट्रोलर है इसके अंदर। सी, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि है क्या, अगर एम्प्टी है तो इसके अंदर किस तरह की चीज़ आई है, क्योंकि उसने अपनी डिस्क्रिप्शन में पहले से ही हमें बताया हुआ था कि जो एम्प्टी प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर किसी किस्म का कोई कंटेंट सेव नहीं हुआ होगा। हम देखते हैं यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया IS Express। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक सर्वर है, ठीक है। मैं IS Express, ये मेरी लोकल मशीन पर रन हो रहा है, तो इसका भी मैं आपको यूज नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगी। ये देखें, इसने जो यहां पर करेगा ना तो यहां पे जस्ट एक हेलो वर्ड लिखा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी किस्म की कोई वेब एप्लीकेशन इसने क्रिएट नहीं की, इसने कोई कंटेंट नहीं यहां पर मुझे शो कराया, कोई यूजर इंटरफेस नहीं है इसका, जस्ट एक टेक्स्ट शो करवाएगा जो कि हेलो वर्ड होगा और ये डिफॉल्ट है। मैंने अभी इसके अंदर आपके सामने कोई चेंजेस नहीं की। यहां पर हमारे पास क्या आया है, हेलो वर्ड। तो ये कहां पर है इसका भी मैं आपको पाथ दिखा देती हूं। ये हमारा है स्टार्टअप के फोल्डर में, स्टार्टअप फाइल है यहां पर। यहां पर ये देखें, यहां पे लिखा हुआ है हेलो वर्ड। इस चीज को मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि एक ही साथ इतना सारा कुछ माइंड में रखना बिगनर्स लेवल में इजी नहीं होता, तो इसलिए मैं आप लोगों को साथ साथ जैसे जैसे मैं आप लोगों का बताती जाऊंगी। यहां पर देखें, अब हेलो वर्ड लिखा हुआ है, मैं इसको यहां पे चेंज करके कुछ और लिख देती हूँ। मैं यहां पे लिख देती हूँ गेट इन्फो टेक, ओके। अब देखना ये सेम वही चीज शो करेगा मेरे ब्राउजर में। अब यहां पर गेट इन फॉर टेक एक टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, ये भी जस्ट एम्प्टी है, इसने वेब एप्लीकेशन हमें शो नहीं करवाई। ये देखें यहां पे क्या लिखा आ गया, गेट इन फॉर टेक। तो अब ये था हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड तो वो मुझसे डिस्क्रिप्शन, वो मुझसे कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग यहां पर करते हैं अपना MVC प्रोजेक्ट क्रिएट, यहीं से हम लोग ओपन कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस, ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट।
यहाँ पर हम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एमवीसी, बस एमवीसी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें सॉल्यूशन नेम भी सेम आ गया, क्रिएट यहाँ भी, अब मेरा एमवीसी प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब आप खुद देखिएगा कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सब चीज़ें होंगी जो कि मेरी एक वेब एप्लीकेशन शो कर रही, जो कि एक सिंपल वेब एप्लीकेशन शो करती है। पहले हमने एम्प्टी कर लिया था, अब हम कौन सा करेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर। यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। सॉरी एक चीज़ रह गई, ऑथेंटिकेशन भी मैंने आपको दिखानी थी यहाँ पे। चलिए हम दोबारा इसको करते हैं। अच्छा देखें, अगर तो मेरे पास, चलिए अच्छी बात है कि नहीं हमारे पास आइडेंटिटी सिलेक्ट हुई, इससे भी आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा कि जब मैंने मॉडल व्यू कंट्रोलर किया तो अब हमारे पास, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन आ जाएगी। उसके अंदर, इसके अंदर एमवीसी के अंदर हम लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। एमटी में हमें सब कुछ खुद से मैनुअली क्रिएट करना होगा, लेकिन इसके अंदर सब चीज़ें बनी बनाई हैं। हम लोग कुछ न्यू फोल्डर फाइल्स ऐड करेंगे और हमारी अपनी अकॉर्डिंग एक वेबसाइट तैयार हो जाएगी। सी ये देखें, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वेब एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है जो कि डिफॉल्ट थी। मैंने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया आपके सामने। ये मेरे पास है होम जो कि ये शो हो रहा है, ये प्राइवेसी, ये वाला पेज आ गया, ये हमारा क्या है, प्रोजेक्ट का नेम है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये होम और प्राइवेसी कहाँ पड़े हैं। ये हमारे पास ना, जो हम यूज़ किया है मॉडल व्यू कंट्रोलर, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, जो हमारे पास मॉडल्स है ना, मॉडल हमारे पास अभी फिलहाल कोई भी नहीं है। मॉडल बेसिकली होती है हमारी डेटाबेस, तो ये हमारे पास अभी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर कंट्रोलर के फोल्डर में हमारे पास होम कंट्रोलर का एक होगा, जो आपका कंट्रोलर नेम है ना, होम, व्यूज नेम भी आपका सेम होगा। होम कंट्रोलर के अंदर जो आपके एक्शन होंगे, दो हमारे पास इसमें एक्शन मेथड है, एक होम, एक इंडेक्स के नाम का और एक प्राइवेसी के नाम का, जो अभी हम देख के आए हैं, ये देखें ये दो। अब जो आपके यहां पर नेम होंगे ना, सेम वही आपके व्यूज के नेम होंगे, ठीक है। ये देखें व्यूज, जिसके अंदर होम था, हमने अभी हम पीछे देख के अपनी वेबसाइट, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इंडेक्स और प्राइवेसी, ये मेरे पास है। CSHTML जो होती है, ये हमारे पास एक्सटेंशन होती है C# और HTML को मिला के हम लोग कहते हैं CSHTML। तो ये देखें यहां पर C# का भी कोड यूज हुआ है, ये वाला, इतना C# का कोड जो इसमें यूज होगा इस पेज के अंदर, वो होगा एट के साइन के साथ। और बाकी हमारे पास ये वाला कौन सा कोड है, ये HTML का है, ठीक है। तो वेलकम ये लिखा हुआ है ना, यही हमारी वेबसाइट के मेन पेज पे लिखा हुआ था, जो कि हमारा इंडेक्स पेज है। दूसरा हमारा एक था इंडेक्स पेज जिसको वो होम का नेम दे रहा है, दूसरा था प्राइवेसी, तो प्राइवेसी के अंदर ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ से वेलकम भी आपने देख लिया, और नीचे ये वाली जो लाइन है लिखी हुई, बिल्डिंग वेब एप्स विद ASP.NET Core, ये भी आ गई। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा है कि मैं आपको दूसरा पेज प्राइवेसी वाला ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर ये वाला सारा C# का कोड है, और सिर्फ ये वाली लाइन जो है, यूज दिस पेज टू डिटेल योर साइट्स प्राइवेसी पॉलिसी, ये हमारे पास क्या है, HTML यूज कर रहे हैं। प्राइवेसी पॉलिसी उसका टाइटल था, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें जब हम प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी टाइटल आ गया, और ये वाली लाइन जो थी C# की यूज हुई हुई है, ठीक है। अब आज का जो हमारा ट्यूटोरियल था वो जस्ट यही था कि हमें डिफरेंस पता चल जाए एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट का और एक एम्प्टी प्रोजेक्ट का। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को क्या समझ आई है।